छठ के त्योहार में तो एगो गीत गावल जाला कि बड़ी में संकट के बरतिया अम्मा दिहलू उठा। गीत का बोल है जैसे आप लोगों को सुनत तो इसी ट्यून में एक गीत जावर माई गावत्र सुनली कि बड़ी रे संकट के बरतिया तो संकट छठ में न आए तो फिर समझ में छठ पूरा नहीं हुआ। तो शारदा सिन्हा जी स्वस्थ हो जाए इसके लिए भी हम लोग एक बार छठी मैया से प्रार्थना करेंगे। प्रेम से बोलिए हाथ उठाके छठी मैया की जय। आपको भी पता है देखो कितना अच्छा लगता था जब हम लोग छठ की शाम एक तरफ समंदर किनारे मुंबई की छठ दिखाई देती थी, दूसरी तरफ पटना के घाट का छठ दिखाई देता था, तो तीसरा दिल्ली में यमुना जी के घाट का भव्य दृश्य विहंगम दृश्य दिखता था। उन सारे दृश्यों को आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने धूल धूसरित कर दिया है। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, ये पता नहीं किसके दबाव में छठ हो दिवाली हो हिंदुओं के सारे त्योहारों के आस्था को कुचलने में लगी है। मुझे जो जानकारी मिली है कि हर छठ समिति के नाम से ये लोग 25 से 30 लाख रुपया सैंक्शन कर रहे हैं, मगर छठ समितियों को मात्र चूरन 1,25,80,000 ऐसे रुपया मिल रहा है, उसको भी अपने लोगों को दिलाएं। नहीं, आज यहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं आई कंप्लेन में। मैक्सिमम समस्याएं आ रही हैं कि दिल्ली सरकार जो छठ समितियों को सरकार के तरफ से कुछ राशि योगदान राशि दी जाती है वो लेने के लिए मुख्य छठ समिति को हटा के अपने किसी व्यक्ति का नाम दे दे रहे हैं। मैं हैरान हूँ, आप सब भी सोचें कि करप्शन का जो अरविंद केजरीवाल जी से शुरुआत हुई है वो नीचे इनके कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया है, इनके पदाधिकारियों तक पहुंच गया, अधिकारियों तक पहुंच गया है। और मैं हैरान हूँ, कई जगह ये शिकायत आ रही है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर छठ समिति है तो उसको जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको छठ घाट बनाने के लिए मना कर रहे हैं, उसके परमिशन कैंसिल कर रहे हैं। हमारी ये मीटिंग ही इसलिए है कि हम उसको अभी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से भी लोग बैठे हैं, दे आर नोटिंग डाउन और हम इसका निदान करें। आपने एनजीटी के बारे में बताया है कि जिस तरीके से, आपको भी पता है देखो कितना अच्छा लगता था जब हम लोग छठ की शाम एक तरफ समंदर किनारे मुंबई की छठ दिखाई देती थी, दूसरी तरफ पटना के घाट का छठ दिखाई देता था, तो तीसरा दिल्ली में यमुना जी के घाट का भव्य दृश्य विहंगम दृश्य दिखता था। उन सारे दृश्यों को आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने धूल धूसरित कर दिया है। पता चला कि एनजीटी ने बैन किया, उन्होंने कहा, मैं एनजीटी के ऑनरेबल चीफ से मिला, उन्होंने कहा हमने तो बिल्कुल बैन नहीं किया, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नदी को साफ करो, लेकिन नदी को पीपल फ्रेंडली न बना के केमिकल फ्रेंडली बनाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो मैं आज आप सबके सामने मैंने छठ समितियों को बताया कि बीजेपी की सरकार आने दीजिए। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, ये पता नहीं किसके दबाव में छठ हो दिवाली हो हिंदुओं के सारे त्योहारों के आस्था को कुचलने में लगी है। बीजेपी की सरकार बनेगी, यमुना जी पे छठ होगी, वही भव्य दृश्य होगा और हम आज इसको छठ समितियों के साथ शेयर किए। एलजी जो छुट्टी की घोषणा की है उसको लेकर आम आदमी पार्टी श्रेय ले रही है कि हमने बहुत बड़ी खुशखबरी दिल्ली वासियों को दी है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार छुट्टी घोषित नहीं करना चाहती थी, एलजी को सार्वजनिक चिट्ठी लिखनी पड़ी। हम कहाँ पहुँच गए हैं दिल्ली में, एलजी को
चूंकि एलजी की बात को तोड़ मरोड़ के लोग देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि एलजी साहब ने इस बार सोचा होगा कि लोग पूरी दिल्ली की जनता पढ़ो कि देखो अभी तक ये छुट्टी घोषित नहीं किए हैं, तो जो छुट्टी तक नहीं घोषित करना चाहता है वो छठ को कैसे कराना चाहेगा, इसका आप अर्थ समझ सकते हैं। माननीय एलजी महोदय को हम पूरे दिल्ली के पूर्वांचल के रहने वाले लोग हम लोग एक उनको प्रार्थना देने जा रहे हैं कि जैसे आपने छठ की छुट्टी को लेकर के आम आदमी पार्टी की अकर्मण्यता को जगजाहिर किया, वैसे ही आप एक सूचना और भी मिले जिससे हमारा छठ जमुना जी के तट पे हो सके। शारदा सिन्हा जी बीमार हैं, हमने आज सब लोग मिल करके उनके स्वस्थ होने की कामना की है और अभी हम आज ही शाम को उनसे मिलने भी जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि शारदा जी जल्दी स्वस्थ हो जाए। मनोज जी, जिस तरीके से टेंडर अवार्ड करके अपने कार्यकर्ताओं को बेनिफिट कराने के लिए जो टेंडर छोड़े जा रहे हैं छठ घाट के, क्या इसकी जांच की मांग करेंगे आप? 100% करेंगे और इसकी जांच होगी। ये भी एक भ्रष्टाचार है। आपको छठ समितियों को, छठ पूजा करने वालों को सहायता करनी है या मिलने वाले वित्त को किसी तरह अपने लोगों को दिलाने में आपका इंटरेस्ट है? मतलब ये कितना आश्चर्यजनक विषय है कि ऊपर अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार और नीचे उनके लोगों का छठ समितियों के मार्फत भ्रष्टाचार। मुझे जो जानकारी मिली है कि हर छठ समिति के नाम से ये लोग 25 से 30 लाख रुपया सैंक्शन कर रहे हैं, मगर छठ समितियों को मात्र चूरन 1,75,000 ऐसे रुपया मिल रहा है, उसको भी अपने लोगों को दिलाएं। आप समझें इसमें क्या है कि अपने लोग रहेंगे तो वो ले लेंगे और वो हल्ला नहीं करेंगे और दूसरे वाले लेके भी कहेंगे कि हम तो साइन 25,000 पे या 80,000 पे ही करेंगे। ये एक बड़ा करप्शन है, इसकी जांच होनी चाहिए। आई विल डिमांड फॉर दिस।